सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5 वेज टू लर्न फोटोग्राफी। बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं वो अक्सर मुझे जो है कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे ये सवाल करते रहते हैं कि सर हमें फोटोग्राफी सीखनी है, किस तरह सीखें, कैसे सीखें। कुछ लोग जो है बहुत छोटे छोटे गांव से हैं, छोटे छोटे शहरों से हैं, लेकिन फोटोग्राफी का उन्हें काफ़ी पैशन है और वो चाहते हैं कि वो अच्छे एक फोटोग्राफर बने, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि फोटोग्राफी सीखें तो फिर कैसे सीखें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 वेज यानी कि उन 5 तरीकों के बारे में बात करूंगा जिसे अगर आप जो भी आपके लिए बेटर हो आप वो तरीका अपना सकते हैं और डेफिनेटली जो है आप जल्दी ही एक अच्छे फोटोग्राफर बन जाएंगे और फोटोग्राफी सीख पाएंगे। और आखिरी जो मेरी टिप है 5th, वो जरूर देखिए, वो बहुत ही काम की है सभी स्पेशली बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए। तो आज का जो मेरा पहला टिप है वो है फ्रेंड्स, ज्वाइन एनी फोटोग्राफी स्कूल और कॉलेज। अब ऐसा होता है कि फ्रेंड्स बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें लगता है कि फोटोग्राफी जो है स्कूल में या कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही फोटोग्राफी को सीख सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक समझते हैं, आप खुद भी सीख सकते हैं फोटोग्राफी, किसी कॉलेज या उसकी ज़रूरत नहीं है। जो है हम अगर हम अच्छे हमारे अंदर अच्छा टैलेंट है और पेशेंस है तो भी हम अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी एज 18 साल या 17 साल की है और आप सोच रहे हैं कि आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है और आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से फोटोग्राफी को सीखना है तो फिर आप कोई भी एक अच्छा फोटोग्राफी स्कूल या कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो कोर्सेज होते हैं ज़्यादातर 18 मंथ से लेके जो है 3 to 5 ईयर्स के होते हैं। ज़्यादातर इंडिया में कोर्स आपको मिलेंगे जो 1 ईयर 18 मंथ्स या फिर 3.5 to 3.5 साल के कोर्सेज होते हैं। आप गूगल कर सकते हैं इंडिया में कौन से बेटर जो है अच्छे स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ आपको जाने का बेनिफिट ये होता है कि वहाँ आपको एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से फोटोग्राफी की पढ़ाई कराई जाती है और आप सीख पाते हैं कि फोटोग्राफी एक्चुअली क्या है और आपको एक्चुअली फोटोग्राफी की किस स्ट्रीम में अपना करियर बनाना है, चाहे वो वेडिंग हो या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो या फिर फोटो जर्नलिज्म में आपको जाना है या फैशन फोटोग्राफर बनना है, तो वहाँ तरह तरह की जो है आपको हर तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे आपको आसानी होती है ये डिसाइड करने में कि फाइनली आपको किस तरह की फोटोग्राफी अपनी में आपको करियर बनाना है और कौन सी फोटोग्राफी आपको जो है लाइफ लॉन्ग करनी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप फोटोग्राफी स्कूल्स या कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको वहाँ पर जो भी फीस है वो आप वहाँ कॉल करके पता कर सकते हैं और आपको एक पूरा आइडिया आएगा कि किस तरह से जो है आपको वहाँ पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, कब से एडमिशन शुरू होते हैं, कितने टर्म का कोर्स है और उसका क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब आपको वहाँ से पता चलेगा। अब बात करते हैं हमारी आज की दूसरी टिप की फ्रेंड्स। तो दूसरी जो टिप है फ्रेंड्स वो है आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं क्रैश कोर्स करके या फोटोग्राफी वर्कशॉप्स जो हैं उन्हें अटेंड करके। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हमारा जो एमएनएन स्टूडियो है हम भी यहाँ पर बच्चों को जो है 60 डेज का 120 डेज का क्रैश कोर्स देते हैं, लेकिन वो जो क्रैश कोर्स है वो सिर्फ फैशन फोटोग्राफी में है क्योंकि मैं खुद एक फैशन फोटोग्राफर हूँ तो मैं उसी चीज़ में बच्चों को ट्रेन करता हूँ क्योंकि वो मेरी फील्ड है। लेकिन अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है या आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी है या आपको फोटो जर्नलिज्म या आपको किसी भी तरह की फोटोग्राफी करनी है, अगर उस तरह के क्रैश कोर्स कहीं भी अवेलेबल हैं तो आप उन क्रैश कोर्स को जो है ज्वाइन कीजिए। क्रैश कोर्स का बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स कि ये ज़्यादातर क्रैश कोर्स होते हैं 4 या 6 महीने के या फिर 30 to 90 डेज के भी, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा जल्दी आप सीख पाते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी एज जो है करीब 22 ईयर्स से लेके जो है 35 ईयर्स तक के जो लोग हैं जिन्हें एक फोटोग्राफी का पैशन होता है और स्टिल वो लोग जो है अपना इस फील्ड के अंदर करियर ढूंढ रहे हैं, तो क्रैश कोर्स उनके लिए काफ़ी जो है एक बेनिफिट वाली चीज़ होती है कि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो है जल्दी जल्दी सीखने को मिलेगा। तो ये था हमारा फ्रेंड्स आज का दूसरा ऑप्शन। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है हमारा YouTube चैनल। अब बहुत सारे जो फोटोग्राफर हैं आज इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा भी एक चैनल है फोटोग्राफी का आप देख रहे हैं अभी, यहाँ भी हम जो है फोटोग्राफी सिखा रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं फैशन फोटोग्राफी के अंदर और भी अलग तरह की फोटोग्राफी पे, जिससे कि आप घर बैठ के ही जो है फोटोग्राफी को सीख सकते हैं। आपको आइडिया आता है कि किस तरह से जो है फोटोग्राफर्स काम करते हैं और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जो फोटोग्राफर्स यूज करते हैं पर्टिकुलर शॉट्स को लेने के लिए। तो YouTube जो है फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ा एक मीडियम है
और वर्ल्ड वाइड आपको दुनिया भर के फोटोग्राफी चैनल्स यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी कॉलेज में नहीं जाना है, किसी क्रैश कोर्स या वर्कशॉप में नहीं जाना है, आप घर बैठ के ही सारी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन YouTube का और जो कॉलेजेस का क्रैश कोर्स का जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है फ्रेंड्स एक्सपीरियंस का, यानी कि YouTube पे आपको एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी, आपको हर चीज़ मिलेगी, बट एक्सपीरियंस लेने के लिए जो है आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। यानी कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो जब तक आपको देखने से फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड्स, जब तक आप उन वीडियोस को आप एक्चुअल में प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आप जो है अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन पाएंगे। सो अगर आपके पास में अच्छे स्कूल क्रैश कोर्स के लिए भरने के लिए फीस नहीं है, टाइम नहीं है, तो यूट्यूब जो है आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन को आप हमेशा जो है अपने दिमाग में रखिए और सीखते रहिए। अब बात करते हैं आज हमारी चौथी टिप की फ्रेंड, जो आज हमारी फोर्थ टिप है वो है फ्रेंड्स बिकम एन असिस्टेंट टू एनी गुड प्रोफेशनल फोटोग्राफर। यानी कि आप किसी भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के असिस्टेंट बन के भी है आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं। पुराने टाइम में ऐसा ही होता था, जो लोग फोटोग्राफर बनना चाहते थे वो किसी भी बड़े फोटोग्राफर के पास जाते थे और वहाँ उनका असिस्टेंट बनते थे और उनसे धीरे धीरे 2-3 साल उनके असिस्टेंट बन के काम करते थे ताकि वो भी एक उनकी तरह ही अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन पाए, वहाँ वो सारी फोटोग्राफी सीखते थे। अब आज के टाइम में फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपको असिस्टेंट क्यों रखेगा, आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कैमरा की, लेंसेज की, लाइट स्टैंड्स की, स्टूडियो की, कैसे लाइट्स को लगाते हैं, कैसे लाइट्स ऑपरेट होती हैं, किस तरह से जो है ट्रिगर को प्रेस किया जाता है, कैसे मीटर से रीडिंग ली जाती है, ये थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आपको असिस्टेंट बनना है। तो असिस्टेंट बन के भी आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं, इसके लिए आपको अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा और आप अलग अलग फोटोग्राफर्स को कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर किसी के यहाँ वैकेंसी हुई तो डेफिनेटली वो आपको अपने साथ में रखेंगे और जब आप उनके साथ काम करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें उनके काम करने के तौर तरीकों के साथ में उनको देख कर ही आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो असिस्टेंट बनना भी बुरी बात नहीं है, यहाँ भी आप जो है एक अच्छे फोटोग्राफी को सीख पाएंगे और उनकी तरह भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आप बन पाएंगे। जो लास्ट टिप है मेरा आज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, और वो है टिप फ्रेंड्स की सेल्फ टीचिंग, यानी कि खुद से फोटोग्राफी को सीखना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास वो छोटे छोटे शहरों में हैं या गाँव में हैं, बट उनके ड्रीम्स काफ़ी बड़े होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, या पैसा होता है तो वो दूसरे शहर में जाके सीख नहीं सकते, उनकी फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें पैशन होता है फोटोग्राफी का। तो मैं आपको बताऊंगा सेल्फ टीचिंग। सेल्फ टीचिंग फ्रेंड्स क्या होती है, बेसिकली जो भी मैंने पहले के 4 पॉइंट्स बनाए, यानी कि जैसे कि यूट्यूब चैनल पर आप देखते हैं कोई भी फोटोग्राफर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो बनाया था मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट के ऊपर, तो वहाँ पर हम लोग जो है पोर्टफोलियो शूट कर रहे थे, और फिर हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हम सिखा रहे थे कि टेदर शूटिंग क्या होती है। तो अगर आप ये सारे वीडियोस को ध्यान से देखें और आप वही चीज़ जो है जो मैं सिखा रहा हूँ या दूसरे चैनल्स भी सिखा रहे हैं, आप उनको सिंसियरली आप फॉलो करें वो टिप्स को, उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस में, सिर्फ देखने में नहीं, प्रैक्टिस मतलब आपको वो चीज़ें, आज आपने वीडियो देखा, अपना कैमरा उठाइए, अपना लेंस लीजिए और जो आपने उस वीडियो में देखा उसको ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। तो ये एक सबसे अच्छी टेक्निक है, यहाँ आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, यहाँ आपको किसी की क्लास में नहीं जाना है, यहाँ आपको जो है सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखेंगे कि आप शुरू के आपके 3-4 महीने जो हैं वो आपके सीखने में जाएंगे, लेकिन 4-5 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फोटोग्राफी जो है टेक्निकली बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स आप निकालने लगे हैं किसी भी बड़े प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह। लेकिन शर्त यह है कि आपको जो है खुद आपको जो है एक नियम बनाना पड़ेगा, आपको रोज कम से कम 2-4 घंटे आपको फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो ये जो मेरी 5वीं टिप थी सेल्फ टीचिंग वाली फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही काम की है और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिना किसी स्कूल कॉलेज या किसी भी के असिस्टेंट बने आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद को सिखाएं, यानी कि जहां से आपने जो भी नॉलेज ली है उसे आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके उसे प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास स्टूडियो नहीं है तो आपको छोटा सा अपने घर में या जहां भी आपकी जगह है वहां आप कैसा भी स्टूडियो बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप आउटडोर लोकेशन पे जाइए, वहां भी प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में आप इमेजेस को शूट कीजिए, चाहे क्लाउडी वेदर हो तब शूट कीजिए, धूप हो तब शूट कीजिए, लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी है तब शूट कीजिए। यानी कि आपको जब आप हर लाइटिंग कंडीशन में शूट करेंगे
हर सब्जेक्ट के साथ में आप शूट करना सीखेंगे तो आप देखेंगे कि 6-8 महीने में आपकी फोटोग्राफी जो है कंप्लीटली एक अलग लेवल पे चली जाएगी। तो ये थे आज के फ्रेंड्स मेरे 5 टिप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है तो ये जो 5 तरीके हैं सबसे बेस्ट हैं आपके लिए। अब आपका कौन सा तरीका आपके काम का है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल जरूर सब्सक्राइब करा करो दोस्त। चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।